ये बात यहाँ पे किसी से छुपी नहीं है कि इंडिया में जब शुरुआती समय में मोबाइल फोन आए थे सबके सब मेड इन चाइना थे, लेकिन आज के समय में इंडिया में स्मार्टफोन्स की मैन्युफैक्चरिंग शुरू हो गई और धीरे धीरे इंडिया तेजी से आगे बढ़ रहा है स्मार्टफोन बनाने में। लेकिन वही बात करूं किसी दूसरी इंडस्ट्री के लिए भी ये पूरी साइकिल यहाँ पे दोबारा से रिपीट हो गई है। और आज के समय में ये हो रहा है कि जो इलेक्ट्रिक टू व्हीलर से उसमें भी एक वैसे ही रिवोल्यूशन देखने को मिल रहा है जैसा स्मार्टफोन में था। लेकिन बस कहानी में बात ये कि यहाँ पे इस बार चाइना से लीड नहीं कर रहा, इसे इस बार इंडिया लीड कर रहा है। लेकिन इस बारे में आपको इतना ज्यादा इन्फॉर्मेशन इतना ज्यादा पता नहीं होगा क्योंकि इंडिया में जो इलेक्ट्रिक टू व्हीलर्स होते हैं ना उनकी रेपुटेशन इतनी अच्छी नहीं है और उसका आंसर भी चाइना है। क्योंकि शुरुआत में इंडिया में जो इलेक्ट्रिक टू व्हीलर्स आए थे ना वो ज्यादा से ज्यादा चाइनीज थे और बहुत ही लो क्वालिटी के प्रोडक्ट थे। 40 किलोमीटर के ऊपर स्पीड नहीं मिलती थी और उसे चलाने के लिए लाइसेंस की भी रिक्वायरमेंट नहीं थी, ना ही उसके अंदर नंबर प्लेट लगती थी। वो सिर्फ यूज एंड थ्रो प्रोडक्ट थे क्योंकि चाइनीज कंपनी जो चाइना में माल बना रही थी वो बहुत ही ज्यादा वीडियो करता और इंडिया में बस उसे हब में डंप कर रहे थे क्योंकि चाइना ने कभी भी इलेक्ट्रिक टू व्हीलर्स पे इतना ज्यादा फोकस करा ही नहीं। और आज के समय भी चाइनीज कंपनीज जो है वो फोर व्हीलर पर ही फोकस करती है, जैसे कि BYD चाइना की बहुत बड़ी कंपनी है और शाओमी की बात करें तो वो भी अपनी इलेक्ट्रिक कार ला रहे हैं। लेकिन एक बात बताऊं, इन चाइनीज कंपनीज की एंट्री इंडिया में नहीं हो पाएगी। लेकिन अब जाके इस कहानी में चेंज आ रहा है। पिछले 2 सालों में 2 ऐसी कंपनीज है जिन्होंने यहाँ पे बहुत ज्यादा ग्रोथ दिखाई है, वो है ओला और एथर। क्योंकि यहाँ पे कोई ट्रेडिशनल प्लेयर नहीं है, इनका कोई बैकग्राउंड नहीं है यहाँ पे ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के अंदर, लेकिन इसके बावजूद भी इन्होंने प्रोडक्ट्स ऐसे बनाए जो मार्केट में पॉपुलर हुए और मार्केट में इन्होंने अपना अलग नाम और बड़ा मार्केट शेयर भी ले लिया। और पता है इन दोनों कंपनीज के आने के बाद सबसे बड़ा इम्पैक्ट पड़ा पुराने ऑटोमेकर्स पे और वो भी अपने इलेक्ट्रिक टू व्हीलर्स पे काम किया, जैसे कि TVS iQube। इसके साथ ही बजाज ने अपनी चेतक भी निकाली थी, लेकिन चेतक बहुत कम जगह मिलती थी। लेकिन जब इन कंपनी ने एक्सपेंड किया तो चेतक ने भी अपने ईवी एक्सपीरियंस को बढ़ाया। हीरो मोटोकॉर्प की तरफ से भी कोई इलेक्ट्रिक व्हीकल नहीं था, लेकिन उन्हें भी हीरो विडा यहाँ पर बनाना पड़ा। और तो सारी बातें यहाँ पे खत्म नहीं हो जाती, इंडिया के इलेक्ट्रिक टू व्हीलर मार्केट को देख के बाहर की दूसरी कंपनीज भी यहाँ पे इंस्पिरेशन ले रही है, इंक्लूडिंग होंडा कंपनी एक्टिवा पे काम कर रही है, सुजुकी है यहाँ पे। लेकिन ओला एथर ने ऐसा क्या काम कर दिया? यहाँ पे बेसिकली जो कंपनीज है अभी R&D के ऊपर काम कर रही है, क्योंकि अभी तक क्या होता था इंडिया में ज्यादा से ज्यादा असेंबलिंग पे काम होता था, ज्यादा से ज्यादा बाहर से उठा के लिया सामान इंडिया में असेंबल करके बेचने लग गए। यहाँ पर मैं मिस्टर भावेश अग्रवाल जो कि ओला इलेक्ट्रिक के CEO उनसे भी मिलाऊ और जो मिस्टर तरुण मेहता है एथर के CEO उनसे भी मिलाऊ और उनका तो ये भी कहना था पहला जो पूरा वेव ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स इन इंडिया था आई थिंक काफी डिसअपॉइंटिंग था। प्री एथर आई कांट थिंक ऑफ अ सिंगल इलेक्ट्रिक स्कूटर दैट आई हैड रिस्पेक्ट फॉर फ्रैंकली। हमारे बाद में लॉट्स ऑफ अदर गुड कंपनीज दैट हैव कम जिन्होंने इन्वेस्ट किया है, प्रोडक्ट ढंग से बनाया है, सो आई थिंक नाउ देयर आर इनफ प्रोडक्ट्स जो ढंग से काम कर रहे हैं। और एक बात बताऊं आप लोगों को, एथर एक ऐसी कंपनी जिसकी R&D के अंदर 1000 से ज्यादा एम्प्लॉइज है और यहाँ पे सिर्फ व्हीकल डिजाइनिंग के ऊपर काम नहीं हो रहा, यहाँ पे पेटेंट्स के ऊपर भी काम हो रहा है, कैसे उसके अंदर नया इनोवेशन लेकर आया जाए। और ऐसे ही सिमिलर ओला कंपनी की कहानी है, जो लोग R&D पे काम करके अपनी नई नई व्हीकल्स को भी डिजाइन कर रहे हैं, प्लस उन्होंने मैन्युफैक्चरिंग पर भी काफी अच्छा काम किया। जैसे जो ओला की फ्यूचर फैक्ट्री है वो वन ऑफ द लार्जेस्ट टू व्हीलर फैक्ट्री है पूरी दुनिया की और जो कि 24/7 ऑपरेशन में रहती है, जिसके अंदर वो लगातार व्हीकल्स को प्रोड्यूस भी करते रहते हैं और नए व्हीकल्स की डेवलपमेंट और टेस्टिंग भी करते रहते हैं। तो इस लेवल पे यहाँ पे काम हो रहा है कि इंडिया में व्हीकल को डिजाइन भी किया जाए, मैन्युफैक्चर भी किया जाए, प्लस यहाँ से हमें बाहर भी बेचा जाए। इंडिया में इलेक्ट्रिक टू व्हीलर का जो रिवोल्यूशन है ना, यहाँ पे स्मार्ट इलेक्ट्रिक स्कूटर्स का है, क्योंकि इसके बाद जैसे फीचर आपको स्मार्ट कार्स और स्मार्टफोन्स में थे वो अब आपको देखने को मिल रहा है इलेक्ट्रिक टू व्हीलर के अंदर। मतलब एक एथर जैसी कंपनी का एग्जांपल हो, एथर दुनिया की पहली कंपनी बनी थी जिसके पास एक टच स्क्रीन डैशबोर्ड आया था, एथर दुनिया की पहली कंपनी थी जिसने एंड्रॉइड कंपैटिबल ऑपरेटिंग सिस्टम को स्कूटर में डाला था, एथर पहली कंपनी थी दुनिया की जिसने गूगल मैप्स को अपने स्कूटर के अंदर डाला था। मतलब खुद सोच सकते हो कि अगर किसी टू व्हीलर के अंदर अगर गूगल मैप्स आ रहा है तो आपके दिमाग में क्या आएगा, कोई अमेरिकन कंपनी होगी, कोई यूरोपियन कंपनी होगी, कोई बाहर की कोई कंपनी ने कुछ बनाया होगा। कभी आप ये नहीं सोचो कि इंडियन कंपनी अपने प्रोडक्ट के अंदर इस चीज को यहाँ पर डाल रही है और ये चीजें यहाँ पर हो रही है जो इससे पहले और जगह कभी नहीं हुई थी। इवन ओला की बात करूं तो उन्होंने भी 1.5 साल के अंदर अपनी प्रोडक्ट को पूरा का पूरा बदल दिया, यानी कि पहले Generation 1 आती थी, अब वो Generation 1 को डिसकंटिन्यू करके अपनी 2nd Generation को ले आए, यानी कि उन्होंने भी यहाँ पे काफी ज्यादा काम किया 1.5 साल के अंदर और अपनी पूरी प्रोडक्ट लाइनअप को दोबारा से रीस्ट्रक्चर किया, रीडिजाइन करा। ये कंपनीज आज के समय में अपडेट्स को भी प्रोवाइड करती है जिससे धीरे धीरे गाड़ी के अंदर और भी ज्यादा फीचर्स आते चले जाते हैं और अब ये लोग उन फीचर्स को यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर रहे हैं जो आमतौर पर आपको कार्स में देखने को मिलते हैं। और अच्छी बात यहाँ पर ये कि कहानी तो अब सिर्फ शुरू हुई है, क्योंकि अब यहाँ से सिर्फ यहाँ पे इन्हें आगे
पड़ रहा है। जैसे की बात करें एथर कंपनी ऑलरेडी इंडिया के बाहर अपने इलेक्ट्रिक स्कूटर नेपाल में बेच रही है और इनका तो प्लान ऐसा है कि ये लोग इंटरनेशनल एक्सपेंड करेंगे और दूसरी जगह बेचेंगे। सेम चीज ओला ने भी कंफर्म करी थी, यहाँ तक कि टीवीएस ने अपनी जो टीवीएस एक्स बनाई है उसे भी वो इंडिया के बाहर बेचेंगे, क्योंकि अब ऐसा हो गया कि इस टाइप के जो प्रोडक्ट जो इंडिया में बन रहे हैं ना वैसे प्रोडक्ट इससे पहले एग्जिस्ट नहीं करते थे और अब उनकी फर्स्ट जनरेशन यहाँ पर देखने को मिली है। और अगर आप लोग को लग रहा है कि सिर्फ आरएनडी मैन्युफैक्चरिंग में काम किया, अब ये लोग सेल के साथ भी काम कर रहे हैं। ओला जैसी कंपनी इंडिया की पहली गीगा फैक्ट्री को बना रही है जिसके अंदर यहाँ पे सेल इंडिया के अंदर बनेंगे। यानी कि अभी क्या रहता है कि गाड़ी तो हम इंडिया में बना लेते हैं लेकिन बैटरी आपको बाहर से लेनी पड़ती है, उसकी रिक्वायरमेंट भी फ्यूचर में खत्म हो जाएगी। 2024 एक ऐसा ईयर रहेगा जहाँ पे आपको दूसरी कंपनीज की भी इलेक्ट्रिक बाइक देखने को मिलेंगी। यानी कि ओला कंपनी इलेक्ट्रिक बाइक ला रही है लेकिन मैंने एथर से भी कंफर्म किया कि वो भी अपनी इलेक्ट्रिक बाइक के ऊपर काम कर रहे हैं। और सुना है कि बजाज अपने पल्सर का भी इलेक्ट्रिक मॉडल निकाल सकता है, KTM की भी इलेक्ट्रिक बाइक यहाँ पर पॉसिबल हो सकती है। इसके साथ ही रॉयल इनफील्ड भी अपनी इलेक्ट्रिक बाइक बना रहा है और उसके लिए उन्होंने एक्स ओला इंजीनियर और एक्स एथर इंजीनियर्स को हायर किया है। यानी कि अभी सिर्फ स्कूटर्स तक ही रिवोल्यूशन था लेकिन अभी रिवोल्यूशन आने वाले समय में इलेक्ट्रिक बाइक्स तक भी जाने वाला है। अभी भी इन कंपनीज को और भी ज्यादा काम यहाँ पे करने की जरूरत है क्योंकि अभी भी लोगों की कंप्लेंट होती, कभी सॉफ्टवेयर ग्लिच आ गया, कभी कोई इशू आ गया, इस टाइप की चीजें यहाँ पे चल रही है। तो इतने नियरली परफेक्ट होने में 1-2 साल और लगेंगे। इंडिया में इलेक्ट्रिक स्कूटर ने जितनी तेजी से एक्सपेंड किया है ना वो बहुत ज्यादा है, क्योंकि जहां पहले बड़े शहरों जैसे बेंगलोर हो गया, पुणे हो गया, वहां पे ही लिमिटेड थे, अब ये पैन इंडिया मिलते हैं, आप इन्हें कहीं भी ले जा सकते हैं। और इलेक्ट्रिक व्हीकल के साथ एक बात है, ये गाड़ी एक पेट्रोल गाड़ी से बहुत अलग होती है। अगर आप पेट्रोल गाड़ी चलाते हो और उसके बाद एक इलेक्ट्रिक गाड़ी चलाओगे तो एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा अलग होगा, यहाँ तक कि हो सकता है आपको रेंज भी बिल्कुल ना मिले क्योंकि इलेक्ट्रिक गाड़ी को चलाने का तरीका थोड़ा सा अलग होता है, वो पेट्रोल गाड़ी जैसे बिल्कुल नहीं चलती है। और अगर आप इलेक्ट्रिक गाड़ी को सही तरीके से चलाओगे तो परफॉर्मेंस, रेंज सब कुछ यहाँ पर मिलेगा। तो वो भी एक ऐसी चीज है जिसे अभी भी लोग यहाँ पे सीख रहे हैं। इसके साथ ही लोग यहाँ पे अभी भी डाउट में रहते हैं कि बैटरी यहाँ पे कितनी चलेगी, क्योंकि कंपनी 5 साल की वारंटी क्लेम करती है लेकिन बेसिकली वो ये भूल जाते हैं कि 5 साल के बाद बैटरी बिल्कुल खराब नहीं होगी, क्योंकि ये जो बैटरीज जिससे पहले लोग रिलेट कर रहे हैं वो थी लेड एसिड बैटरीज। ये नए टाइप के लिथियम आयन सेल्स हैं जिनको अभी यूज किया जा रहा है, BMS पे भी काम कर रहे हैं जिससे चार्जिंग डिस्चार्जिंग को कंट्रोल कर सके। बैटरी के अंदर क्या इनोवेशन चाहिए इस पर भी यहाँ पर काम हो रहा है। बैटरी को तो इस तरीके से डिजाइन किया जा रहा है कि 5 साल तो ये लोग वारंटी दे रहे हैं लेकिन 5 साल के बाद अगर लोग इसे 10 साल भी चलाना चाहे तो भी ये वैसी की वैसी चलती रहे और रेंज में आपको कोई ज्यादा कमी देखने को ना मिले। और जो लोगों को बैटरी रिप्लेसमेंट की अगर रिक्वायरमेंट होगी भी ना वो लोग अपनी गाड़ी को बहुत ज्यादा चला चुके होंगे। इसके साथ ही बात करूं सर्विस की तो हाँ, आज के समय में इलेक्ट्रिक गाड़ी की सर्विसेज यहाँ पे इतनी अच्छी नहीं है क्योंकि कोई भी इलेक्ट्रिक व्हीकल एक ऐसा नहीं होता जिसे आप सड़क के किनारे मैकेनिक से ठीक करवा दे। इसकी टेक्नोलॉजी बहुत अलग होती है, यहाँ पे हार्डवेयर भी अलग होता है प्लस सॉफ्टवेयर का भी काम होता है। और अभी जो कंपनियां होती है इसे खुद ही रिपेयर, खुद ही सर्विस प्रोवाइड करती है और इसी वजह से इसका टेक्निकल नो हाउ बहुत ज्यादा अलग होने के कारण ही इसके सर्विस इंजीनियर्स बहुत कम है। और हर एक साल में जब जनरेशन चेंज हो रही है, नए प्रोडक्ट्स आ रहे हैं, इसी कारण से इनको सीखने में टाइम लगता है और इसी वजह से सर्विस करने में प्रॉब्लम आ रही है क्योंकि ये जो गाड़ियां भी मार्केट में इतनी ज्यादा नहीं है कि लोगों को इनके साथ एक्सपीरियंस ही नहीं है ना इसे रिपेयर करने का ना इसकी सर्विस देने का। ये सारी चीजें 1.5-2 साल लगेगा इन्हें सॉल्व करने में क्योंकि ये चीज ऐसी नहीं कि आपने एक झटके में सॉल्व कर दिया, आपको गाड़ी के बारे में लोगों को सिखाना पड़ेगा, को एजुकेट करना पड़ेगा जिसके अंदर थोड़ा सा टाइम यहाँ पे लग जाएगा। और ये चीजें एकदम से होगी 1-2 साल का टाइम इसके अंदर भी धीरे धीरे यहाँ पर लगने वाला है। लेकिन 1-2 साल के बाद कहानी अब ये होगी कि जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स इंडिया में मिलेंगे ना वो नियरली परफेक्ट हो गए। ये बिल्कुल वैसे ही जैसे फीचर फोन से स्मार्टफोन में ट्रांजिशन आया था, फीचर फोन से स्मार्टफोन तो आ गए थे लेकिन शुरुआत में बहुत लिमिटेड थे लेकिन फिर कुछ सालों के भीतर भीतर स्मार्टफोन बहुत तेजी से पॉपुलर हो गए और फीचर फोन बिल्कुल खत्म से हो गए। यही सेम चीज यहाँ पर होने वाली है, जब लोगों को इनके बारे में और पता चलेगा तब धीरे धीरे ऑटोमेटिकली लोगों का जो परचेस डिसीजन है वो और तेजी से बदलने लगेगा। और आज के समय में मैं यही देख रहा हूँ कि जैसे पेट्रोल गाड़ी की सेल्स यहाँ पे नीचे गिर रही है और इलेक्ट्रिक गाड़ी की सेल्स ऊपर उठ रही है, इसी तरीके से चलता रहा तो बहुत ही जल्दी एक बहुत बड़ा रेवोल्यूशन हम लोग यहाँ पर देखेंगे। और अच्छी बात है कि इंडिया और इंडिया की कंपनीज यहाँ पे लीड कर रही है। बाय द वे, आप लोगों ने कोई इलेक्ट्रिक टू व्हीलर को चलाया कि नहीं चलाया ये बात नीचे कमेंट में बताओ। और अगर वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आए तो सब्सक्राइब किए बगैर कहीं मत जाना। थैंक यू आपका वीडियो देखने के लिए, आप सुनते हो नेक्स्ट वन में। गुड बाय।